नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की जोरदार दस्तक के बाद देश के विभिन्न इलाकों में जमाझम बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में भी गिरावट आने के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से भी काफी ज्यादा राहत मिली है। वहीं राजधानी दिल्ली, मुंबई और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान जमाझम बारिश भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जो है मानसून के दस्तक के लिए अनुकूल परिस्थिति भी दिखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, मानसून जो है कहाँ पर पहुंचने वाला है, यानी कि कहाँ पर बारिश होने वाली है और कहाँ पर जो है आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में बारिश होने को लेकर भी पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी अन्य जिलों में सामान्य बारिश भी हो सकती है। कल भी प्रदेश के 35 जिलों में जो है बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की वजह से यूपी में मानसून ने तेजी से दस्तक दी है। वहीं कल बिजनौर में सबसे ज्यादा 205 mm बारिश दर्ज की गई है। वाराणसी और अयोध्या में भी जो है 50-50 mm बारिश हुई है। वहीं आज तड़के प्रदेश के कुछ जिलों में जमाझम बारिश भी हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आज भारी बारिश होने की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कई इलाकों में आज भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश जो है लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए यहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश के दौरान तेज हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में आगे बढ़ चुका है। मानसून की सक्रियता का असर देश के विभिन्न हिस्सों में जमाझम बारिश के रूप में भी दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के कुछ इलाकों में बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है। इन इलाकों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा शामिल है। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।